जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं एकता सिंगला। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक व सामाजिक समाचारों पर। दीनानगर में होली महोत्सव को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल होली महोत्सव को लेकर शिवसेना पंजाब द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में दीनानगर से पार्षद तथा लोक अदालत सदस्य बाबा प्रवीण जी मुख्य मेहमान के रूप में पहुंचे। मुस्कान एंड ग्रुप द्वारा भगवान राधा कृष्ण की विभिन्न झांकियां बहुत ही सुंदर ढंग से पेश की गई, जिसमें भगवान राधा कृष्ण तथा उनके विभिन्न स्वरूपों ने आए हुए श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली तथा नृत्य पेश किया। कार्यक्रम के आयोजक सतीश महाजन ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी होली का यह महाउत्सव बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मौके पर आए हुए सभी मेहमानों को तलवार तथा सिरोपा डालकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विक्रम महाजन, राजकुमार बिट्टू, विजय महाजन, राकेश सूरी, रजनी महाजन, अजय महाजन तथा अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। देखो जी, शिवसेना पंजाब वालों जिहड़ा है होली का पर्व जिहड़ा हर साल मनाया जाता है इत्थे, और अज भी होली का पर्व जिहड़ा मनाया जा रहा। साडे विच बाबा प्रवीण जी दीनानगर तो एमसी ने, साडा इहदे नाल बचपन तो ही प्यार आ, अज दा नहीं, बहुत देर तो जब बाबा जी दीनानगर आए सी साडा उदों दा इहदे नाल जिहड़ा प्यार हैगा, ते साडे हर त्यौहार दे विच शामिल हुंदे ना, इहनां दा आशीर्वाद साडे नाल आ। अज जिहड़े एम सी महाजन बरादरी तो जिते सी, उन्हां एमसीआं नूं अज इत्थे कृपान भेट करके सरोपा पा के और उन्हां नूं शहर दे अच्छे कार्य करन दे लई उन्हां नूं सम्मानित किया गया। और अज मुस्कान एंड ग्रुप जिहड़ा साडे नाल होली का आनंद जिहड़ा लोकां नूं दे रहा, राधा कृष्ण दे भेस दे विच मुस्कान एंड ग्रुप जिहड़ा इत्थे नृत कर रहा और फुल्लां दी होली जिहड़ी है खेली जा रही है। प्रवीण बाबा जी एम सी दीनानगर लोक अदालत मैंबर, आप सबनों सब तो पहले मैं अपना होली की मुबारकबाद देनी है सारे पठानकोट के वासियों, दीनानगर के वासियों और सारे पंजाब के वासियों। ये शिवसेना पंजाब पठानकोट वालों हर साल यही फंक्शन मनाया जाता है, होर भी कई फंक्शन मनाए जाते, कभी कभी गरीब लड़कियों की शादियां भी कीतियां जांदियां ने और होली भी मनाई जाती, होर भी कई पर्व असी मनाते हैं मिलकर, क्योंकि मेरे सतीश जी नाल जिहड़ा बड़ा बचपन तो ही प्यार है और असी इन्हां दे नाल आंदे जांदे रहने हैं। आप जी ने लॉक अपना करोना के बारे बोलिया है, लेकिन करोना जो है वैसे तो सानूं आपां से जिहड़ा उन्हां दियां प्रीकॉशनस है उह कहिंदे कि दोबारा अटैक कर रहा है, तो सानूं प्रीकॉशन जरूर मनने चाहिए ने, मास्क भी यूज़ करना चाहिए और दूरी भी रखनी चाहिए हर तरह की, और बाकी बहुत अच्छा जिहड़े कलर्स ने उन्हां दे अंदर कैमिकल्स होंदे है और भी कई तरह के अपना नुकसानदेह है, साडे शरीर वास्ते भी नुकसानदेह है कलर्स जिहड़े है। सो फुल्लां दी होली खेली जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फुल्लां दी होली दे नाल ही प्यार वधदा है एक दूसरे का, एक दूसरे का यह होली जिहड़ा पर्व है ही प्यार दा पर्व, एक दूसरे नूं प्यार देना, एक दूसरे कोल प्यार लेना, सो बहुत ही खुशियां दा यह पर्व हैगा, और रल मिल के प्यार वधाइए, एक दूसरे नाल प्यार करिए और पंजाब नूं कोविड तो अपना कोरोना तो मुक्त करिए। दीनानगर से हमारे संवाददाता प्रिंस आनंद, कैमरा पर्सन पुनीत कुमार की विशेष रिपोर्ट। गुरदासपुर से पत्नी से परेशान होकर पति ने जहरीली दवा निगलकर की आत्महत्या, लिखा सुसाइड नोट। गुरदासपुर के मोहल्ला प्रेम नगर में पत्नी से तंग होकर 32 साल के नौजवान बलजिंदर सिंह ने जहरीली दवा निगल ली, जिसको इलाज के लिए परिवार ने गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी गौतमी, जो कि एक सरकारी अध्यापक है, उसको बहुत तंग करती थी और अपने तबादले को लेकर भी अपने पति के साथ रोज लड़ाई करती थी, जिस कारण परेशान होकर उसने आत्महत्या की। परिवार को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक नौजवान ने अपनी पत्नी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंधित जानकारी देते हुए मृतक की माता कुलदीप कौर ने बताया कि उनका बेटा सहकारी बैंक में नौकरी करता था और उसकी पत्नी गोमती भी सरकारी स्कूल में अध्यापक है और उसके बेटे के साथ रोज ही लड़ाई करती थी, जिसको कई बार बैठकर समझाया भी गया, परंतु इस रोज उसकी नौकरी को लेकर तूतू मैमा होने लगी और उसके साथ मारपिटाई करती थी। अब भी अपने तबादले को लेकर उनके बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी, जिससे परेशान होकर उनके बेटे ने जहरीली दवा निगल कर उसने आत्महत्या की। इसके लिए उन्होंने बताया कि उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार उनकी बहू है। इस मामले संबंधित जानकारी देते हुए थाना प्रमुख जबरजीत सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि एक नौजवान ने आत्महत्या की है। इस मामले में मृतक के परिवार के बयानों के आधार पर मृतक की पत्नी गोमती और उसके पिता और भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कहती भी मेरी जी बदली है ना, मेरी उत्थे ही मैं रहना चाहिए आ, मेरी जी बदली नहीं कराई है, कहता मैनू की लोड़ पे घर आने की। ये कहती भी उत्थे मेरा पेट्रोल ज़्यादा लगना, इतने उत्थे मेरा घट लगता ही, उन्हें अगों कहा भी मैं सदाई ना बना,
मुझे तू बेवकूफ ना बना, उदा तो रजा बंदी ने कहेगी तो कोई गल तू उत्थे करा। मैं मुड़े बच्चे बचकार बैठी जी लड़ने पर, मैं कहा पुत्र नौकरी करनी है ना, जे बच्चा सहमत रहना चाहिए आ चल उत्थे कर ले, गल तो एक ही आ करनी तो नौकरी है ना, तो तुम्हें लड़ाई क्यों पाई दी आ, मतलब कि यदि दूर बदली दूर हो गई फिर अगर उतों जाना ना सीधी घर आती जाती रही। जिदा बच्चा छोटा हो भाजी उन्होंने की लड़ पी है घर जाने की, माँ पी नहीं कहना चाहिए पुत तू सीधी अपने घर जा, एक छोटी जी बच्ची छड़ी दी आ, मैं एक घर का काम करके फिर मैं बच्ची सामनी हाँ मुंडा बैंक में कलर्क ए टीचर लड़ाई यही हुई यह बदली तो हुई है गल बैठे दे ये दोनों जने बैठे दे बदली तो गल हुई कल हुई है भी जो कुड़ी ने छोटी जी कुड़ी पहले मैं 8:30 सवाल दिनी हाँ मुंडे ने दवाई खाली कितों दुखी हो गए नूह जो घर से दुखी हो गए हनी हूँ कितों खानी हाँ सौरे सौने तो बड़े सौरे तो नहीं। इस तरह जी बलजिंदर सिंह सन ऑफ अजैब सिंह वासी प्रेम नगर गुरदासपुर जो जिसकी उम्र करीब 32 साल सी ते ये कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस करता सी, इहदा अपनी पत्नी नाल कोई घरेलू झगड़ा चलता सीगा सहुरे परिवार नाल, मिति 26/3/21 नूं इहदा इहदी पत्नी ने इहदी जो इहदी मदर ने दस्सिया वी इहदी पत्नी इहदी मार कटाई कीती, इस तों पहले इहदा सहुरा परिवार विचों इहदा सहुरा स्वर्णदास साला साहिल कुमार ने पहले भी कई इहदी मार कटाई कीती ते इहनूं बहुत टॉर्चर करदे सी, जिस करके इन्हां तिन्नां तों दुखी हो के कल दवाई खा ली ते जिस दौरान इलाज जिहड़े हस्पताल विच मौत हो गई। इस दी माता दे बयानां ते असी मुकदमा दर्ज करके तिन्नां इस दी मृतक बलजिंदर सिंह दी वाइफ गोमती सहुरा स्वर्णदास ते साला साहिल कुमार ते अंडर सैक्शन 306/34 IPC तहत मुकदमा दर्ज करके जिहड़ा लाश दाज पोस्टमार्टम वारसां दे हवाले कर दित्ती है ते दोषियों नूं गिरफ़्तार करन लई रेड कीते जा रहे। ये साढ़े नोट्स अजे कोई नहीं जी, यदि माता के बयान से असं जरा FIR दर्ज की है, जो कोई सुसाइड नोट ये बाडी तो यदि पेंट कमीज के तो कोई यदा सुसाइड नोट नहीं मिले। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पिछले दिनों मलोट अध्याय में किसान नेताओं पर हुए पर्चे के संबंध में गांव फकरसर थेड़ी में हुआ बड़ा जलसा। दर्ज हुए पर्चों को रद्द करवाने के लिए शुरू करेंगे बड़ा संघर्ष। जिन नेताओं पर पर्चे दर्ज हुए हैं उनका देंगे पूरा साथ। यदि पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनकी गली मोहल्ले में आती है तो घट सकती है बड़ी घटना, तो हो सकती है बड़ी अनहोनी जिसका जिम्मेदार होगा प्रशासन, किसान नेता। पिछले दिनों मलोट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ हुई मारपीट के संबंध में पी गुरमेल सिंह ने बयानों के आधार पर किसानी नेताओं पर हुए दर्ज मामलों के संबंध में गांव फकरसर थेड़ी में किसानों की तरफ से बड़ा जलसा करके जहां दर्ज पर्चों को रद्द कराने की मांग की गई, वहीं उन्होंने कहा कि किसान नेताओं पर हुए पर्चे दर्ज रद्द न किए गए तो हम एक बड़ा संघर्ष शुरू करेंगे। यदि पुलिस उनके गली मोहल्लों में उनको पकड़ने जाती है जिससे कि बड़ी अनहोनी हो सकती है जिसका जिम्मेदार सीधा सीधा प्रशासन होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान नेताओं पर पर्चे दर्ज हुए हैं उनका हम पूर्ण तौर से साथ देंगे, और उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। रद्द कराने वास्ते साढ़े दिल्ली मरूहां ते जिहड़े लोग 4 महीने हो गए 5 बैठे जी, उदा करके दूजा ना कि असी उत्थे गए सी भी MLA नूं बाहर ना किया जाए जी, तो जो साडा अज दा जी इकट्ठ होया नानक सिंह ते सूबेदार बाबत जी, वह असी इन्हां दे नजायज़ जिहड़े परचे जिन्हें भी आगू आ जी हल्के दे होण पला हल्के तो बाहर होवे असी इन्हां दा डट के विरोध करांगे जी सरकार दा जिन्ना चिर परचे कैंसल नहीं। की नाम है जी? मेरा नाम सुखमंदर सिंह है सर। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 9 ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 360 ਕੁਛ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ MLA ਨੂੰ MLA ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ? ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
उन्ना चेर तुसी किसी भी ये प्रोग्राम ना करो। बाकी जो पुलिस प्रशासन है असी उन्हां दा साथ भी देवांगे। हुण वेखो बेचारे DSP ने डांगा खालियां विच जां मुक्कियां खालियां, पर जे उन्हूं सरकार कोई टॉर्चर करती है जां उन्हूं कहिंदी है वी तुहानूं ला देंगे नौकरी तां इह वी नहीं असी होण दांगे। असी हक सच दा साथ देना ही देना है चाहे कुछ हो जाए। बाकी कल नूं प्रशासन जे सानूं तंग करदा है असी उहदे च की कर सकदे। जे कोई बंदा शरारती उस कुछ कर गया उहदी जिम्मेवार उह होगी। इस करके असी इकट्ठ रखा गया वी असी जो इह फड़े है जां साडे किसानां दे परचे पाए इहनां दा पूरा डट के साथ देवांगे। किस तरह की रणनीति बनाओगे फिर जे पुलिस भी आउंदी है इन्हां नूं चक्कण वास्ते पिंडां च? हाँ, जे इन्हां नूं पिंडां विच पुलिस चक्कण आउंदी है जां कुदरती किसी ने उत्थे जाके हुक्का दे दिता गलियां रुक गईआं फिर उत्थे इट्टां वट्टे चले उहदा प्रशासन जिम्मेवार होऊगा, असीं नहीं होवांगे। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। 8 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से माझा इलाके में पहली किसानी पंचायत महासभा बटाला के दाना मंडी में होगी, जिसमें 35,000 के करीब इकट्ठ किया जाएगा और इस महासभा में नामवर किसान नेताओं के अलावा नामवर गायक भी शामिल होंगे। बटाला में की गई प्रेस वार्ता के जरिए जिले के किसान नेताओं ने इसकी जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता में किसान नेता पूर्व फौजी गोल्डी मोनपुरिया, अमनदीप सिंह, गुरमेह सिंह सिकरी, रुपिंदर शामपुरा ने बताया कि 8 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांझा जोन की पहली किसान पंचायत महासभा बटाला की दाना मंडी में करवाई जा रही है, जिसमें 35,000 के करीब इकट्ठ रहेगा और इसमें मंजीत सिंह राय, गुरनाम सिंह चिड़ूनी, रंजीत सिंह राजस्थानी, रेशम अनमोल, वीर सिंह जैसे किसान नेता और गायक मौजूद रहेंगे। वहीं उनका कहना था कि ऐसी किसान सभाएं लोगों को किसानी आंदोलन के संबंध किसानी आंदोलन के लाभांत करने के लिए जारी रही है। वहीं उनका कहना था कि किसानी आंदोलन में नौजवानों से काफी समर्थन मिल रहा है तो नौजवानों को ज्यादा लाभांत करने के लक्ष्य को सामने रखा जा रहा है। वही कोरोना के हिदायतें 31 मार्च के बाद क्या रहेंगी उस पर किसान जत्थेबंदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोरोना काल में राजनीतिक और चुनावी प्रचार और रैली हो सकती है तो किसान पंचायतें तो हो ही सकती हैं। वही भाजपा MLA घटनाक्रम को लेकर उनका कहना था कि इसमें सरकारों का ही दोष है क्योंकि लोग और किसान तंग आ चुके हैं, इसलिए लोगों के रोष के चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी सरकारों को लोगों से वैसे रवैये को लेकर सोचना चाहिए कि कहां कमी आ रही है और क्या गलती हो रही है। ਇਹ ਇਕੱਠ ਤਕਰੀਬਨ 30-35,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਅਗਲੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਰੋਹ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਂਸਭਾ? ਇਸ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਹੁਣ ਕਿ ਲੋੜ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
तो सारा पंजाब ही डुबदा वा, किसी एक वर्ग का नहीं रह गया, किसानी तक सीमित नहीं आ, ये मजदूर तक भी आ, व्यापारी का भी आ मसला बन चुकिया वा। तो आप लामबंद कर रहे हैं सारे कि पता होना चाहिए कि साढ़े पंजाब नाल की हो रहा वा, ये पंजाब का जिहड़ा उजाड़ा हो जूगा जे आप ना जागरूक होए। तो यो साडा मेन मकसद आ कि आप इत्थे इह नहीं कि किसान साडी महासभा दे विच आउणगे, महापंचायत दे विच आउणगे, इत्थे मजदूर भी आऊगा, व्यापारी भी आऊगा, हर एक किरती बंदा आऊगा। होर दे विच जी वेखो जी लोकां दे विच रोस सी, इह सरकारां भी जिम्मेवार ने इस दे विच कि उहदे अबोहर वाले केस दे विच उह एमएलए दे पाटे कपड़े तां दिस गए पर उहदे रणजीत सिंह दे क्यों नहीं दिसे, जिहड़ा रणजीत सिंह मुंडे नूं इन्ने बुरी तरीके दे नाल कुट्टिया गया सी, बाद विच उहनूं दिल्ली जेल दे विच रख्या गया तिहाड़ दे विच, उह कुड़ी नवदीप कौर ही उहदे भी कपड़े पाटे सी, उदों भी सरकारां नूं दिसणा चाहीदा सी। जिहड़ियां 300 तों वध मौतां हो गईआं ने किसानां दीआं, उहनां उत्ते भी दो बोल निकलने चाहीदे सी सरकारां दे मूंह दे विचों। इह किते ना किते सरकार जिम्मेवार आ इस चीज़ दा कि लोकां नूं इन्ना सता दित्ता गया वा कि कपड़े पाड़न तक लोक। सरकार जी वेखो किन्ने चिर तो बैठे, 4 महीने हो गए ने दिल्ली बह गए ने, दिल्ली लंघ गए ने, इतने भी 2-2.5 महीने बैठे रहे हैं। तो इन्ना ज़्यादा मतरेई मां वाला सलूक किया गया किसानी के नाल, उन्होंने तो फिर दुखी होया बंदा तो कर रहे हैं। वेखो जी किसान जिहड़े अपने हक्कां की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो हक्कां की लड़ाई हो फिर नुकसान मुनाफे घट ही वेखे जाते होंगे, इन्हों के रोस आते अपने रोस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साढ़े वालों कोई किसी को हिंसक होने वालों साढ़े वालों कोई पर्सनली सुनाह नहीं, ना तो संयुक्त मोर्चे तो इदा का कोई बयान आया कि इन्हों के कपड़े पाड़े जाए, इन्हों डांगा मारिया जा, लोगों का आप गुस्सा वा जो सरकार ने इन्हों के आप क्रिएट किया। देखो जी असी पहले भी एक बार नौजवानों आवाज़ मारी सी कि बहुत व्डे पद्धर से लोग सारे जो नौजवान बटाले का निकल के बाहर आया सगा। एक मैनू हूँ यह लगता कि जो महासभा बटाले की हो रही है तो असं चाहवागे कि चलो एक बार फिर नौजवान सारा जो बाहर निकल के आए, लागे बन्ने भी गुरदासपुर एरिया हो गया, साडा दीना नगर हो गया, फतेहगढ़ चूड़ियां, असं सारे पास नौजवानों कहेंगे तो मैंने लगता बहुत वड्डा हुंगारा मिलेगा नौजवान। वैसे देखो जिहड़ा फार्मर साडा एजुकेशन चल रहा वा उहदे विच यूथ एक बहुत वड्डा रोल निभा रहा वा, और जे ये चीज़ सारिआं नूं पता, वेखो पंजाब एक हैगी एग्रीकल्चर स्टेट आ, जे उदों पंजाब जे साडा एग्रीकल्चर तों थोड़ा जिहा लांभे हट जांदा तां बहुत वड्डा नुकसान हुंदा। देखो जी वीर ने बहुत वड्डा हमला मारिया जिले गुरदासपुर के जी, ये माझे की पहली महासभा होने जा रही 8 तरीक नूं, ते सारे किसान जिहड़े ने घुमा के पहुँचणगे, व्यापारी भी पहुँचणगे, जिहड़े मजदूर ने, क्योंकि सारे इस वेले जिदा पहला भी गल हुई 7-8 महीने तो मोर्चा चल रहा, सारे अगे पे ने, ते जो ये कानून ने काले कानून जिहड़े बनाए ने इन्ने क माड़े ने भी हमने तुम वेखो मार्केट के बाजार सारे खाली ने, क्योंकि जो पहला इन्होंने चाहे वह GST लाई नोटबंदी हुई, तो जो एक जो कानून है ये लागू हो गए तो लोग एक भुखमरी पैन वाला काम हो जाना, आड़ती सिस्टम भी जरा सारा खत्म हो जाना, लोगों ने कितों रोटी खानी है। इस करके सारे बटाले वासी वो तो सहयोग करे, तो वही गिणती के चाहे वह प्रबंध किए जाएंगे, चाहे वह लंगर की व्यवस्था आ पानी की है या जिदा का भी होएगा, सारे रल मिल के गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। अगर सरकार बिना परीक्षा दिए छात्रों को पास कर देती है तो बच्चों का शिक्षा स्तर नीचे चला जाएगा। हर्षपाल सिंह यूके। यदि सरकार बच्चों के पेपर नहीं लेती तो उन्हें प्रवेश शुल्क वापस करना चाहिए। DC साहब को मांग पत्र सौंपते समय रासा के सदस्यों में भारी रोष था। वे असमझ की स्थिति में थे क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में खो गया है। इस अवसर पर हरपाल सिंह यूके ने कहा कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि परीक्षा के दिन कोरोना की वजह से छात्र पेपर नहीं दे पाए और बच्चों को ग्रेड दे दिया गया, और अब स्कूल खुल गए थे प्रवेश लेने के लिए विभाग, और अब परीक्षा के दिन उन्होंने इस बात के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, और वहीं उन्होंने परीक्षा के दिनों में फिर से स्कूल बंद कर दिए जबकि विशेष समाज खुला था। उन्होंने पूछा कि क्या कोरोना केवल स्कूलों में दिखाई दे रहा था और कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया गया है जबकि सरकारी स्कूलों में प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बच्चों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को बिना पेपर दिए पास कर दिया गया तो बच्चों का शैक्षिक स्तर नीचे गिर जाएगा। उन्होंने मांग की कि परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बच्चों के भविष्य को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो रासा सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रासा यूके की मांग है कि अगर सरकार बच्चों से पेपर नहीं लेती तो उनसे ली गई प्रवेश राशि भी वापस कर दी जाए। पंजाब समूह के जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिशिएंट स्कूल आ हर जिले के विच असी आप अपने डिप्टी कमिश्नर साहब ते DO साहब मांग पत्र देने आए हैं। असी DO नूं मांग पत्र देता, डिप्टी मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब नूं देता। साडी एक ही मांग आ
कि स्कूल जे बाकी संस्थावां बाकी बाजार खुल सकदे आ ते स्कूल भी खुलने चाहिए। असी गौरमेंट दीआं हदायतां अनुसार सारियां पालना करदे आ। साडे स्कूलां विच सारे अरेंजमेंट पूरे आ, सैनिटाइजर करदे आ, बकायदा 6 फुट की दूरी से बच्चे बिठाए अं असी स्कूल खोलने चाहते हाँ। सरकार ने ठेके धार्मिक संस्थावां विद्या मंदिर बंद करके बाकी सारा समाज खोलिया, ये बड़ा गैर कानूनी है। सिर्फ सरकार की नीति है कि सरकार ने 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं के बोर्ड के पैसे इकट्ठे कर लिया तो पेपर लैन तैयार नहीं। हर साल ही हों जो पेपर का समा आता उदो पैसे इकट्ठे कर लेंगे पेपर लेंगे। बच्चों बिना पेपर तो पास नहीं करना चाहिए, ये बच्चों की जिंदगी खराब होजू, बच्चों के एजुकेशन का भविष्य ना खिलवाड़ वा। साड़ी मांग सरकार गाड़ी पे स्कूल खोल के बच्चों के कानून अनुसार पेपर ले जा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री राम नवमी कमेटी लुधियाना की तरफ से एक विशेष मीटिंग के चेयरमैन दीपक शर्मा और प्रधान रवि सिंगला की अध्यक्षता में आयोजित की गई मीटिंग 31वीं शोभा यात्रा के संबंध में की गई। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन उत्सव के उन्होंने राम जन्म उत्सव के मंगलवार 20 तरीक न 20 अप्रैल अष्टमी वाले दिन विशाल शोभा यात्रा का आयोजन श्री शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर प्रांगण के विचों किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा साढ़े प्रधान श्री रवि सिंगला जी की अध्यक्षता के बाकी सारे सज्जनों के सहयोग के नाल मिलरगंज इलाके कढ़ी जाती है। हर साल की तरह ऐतकी भी यह 31वीं शोभा यात्रा निकलेगी। पिछले साल कोविड की वजह करके नहीं निकल सकी। ऐतकी असी उस परम पिता परमात्मा के चरणों बेनती करांगे कि सानू ऐसी शोभा यात्रा कढ़न की वो अपनी समर्था और सारा अपना आशीर्वाद देन। बहुत ही विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होएगा, जिस तरीके नाल भी अगर कोई कार्यक्रम सरकार वालों भी कोई सानू सहयोग दिता जाएगा उस हिसाब नाल असी इस शोभा यात्रा शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट तो लैके प्रताप चौंक के विचों दी लांदे हुए जैमल सिंह रोड के उत्तों हुंदी हुई जनता नगर चौंक तो वापसी विश्वकर्मा चौंक तक और विश्वकर्मा चौंक तो फिर महाआरती इत्थे हुंदी है श्री शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर। उत्थे शोभा यात्रा की बहुत सुंदर शोभा यात्रा स्वरूप हैगा। इस शोभा यात्रा के भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के आधारित होर भी धार्मिक संस्थावां वालों पहुँची हुई सुंदर सुंदर झांकियां और सुंदर सुंदर ढोल नगाड़े बजते हुए बैंड बाजों के नाल इस शोभा यात्रा का आगाज़ हुंदा है और उस तो बाद समापन हुंदा है। मैं सब पर राम भगतों को जितों जितों साड़ी आवाज़ साड़ी पहुँच रही है उन्हें सब नूं बेनती करांगा कि 20 तरीक मंगलवार 20 अप्रैल मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे तो शोभा यात्रा का आगाज़ जो होएगा उसे पहुँचने की कृपालता करन। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस तरह कि साढ़े जनरल सैकटरी कौशल साहब ने दसिया कि साड़ी 20 अप्रैल में जोड़ी शोभा यात्रा हैगी मंजू सिनेमा शिव मंदिर तो शुरू होकर इन्होंने रूट सारा तुम्हें दसिया इस तरह नाल होंगी हुई मंजू सिनेमा तो ही समाप्ति होनी है। ये जी सा 31वीं शोभा यात्रा है। ये साढ़े जोड़े चेयरमैन है शक्ति शर्मा जी उन्होंने इन्हों की शुरुआत की सी ते इसे तरह ही ये जी शोभा यात्रा है ये कढ़नी है। सारे भगतों जिन्हें भी राम भगत ने सब नू निवेदन है कि 20 अप्रैल में अपने सारे परिवार के नाल इस शोभा यात्रा के सम्मिलित होना है। जो भी सानू गाइडलाइनस गवर्नमेंट वालों जारी होनगियां असी उन्हां दा इन विन पालना करांगे। असी सारयां नू निवेदन है कि सरकार दीआं हिदायतां नू मनदे होए असी इस जिहड़ा उत्सव नू मनाना है ते राम भगवान का जिहड़ा हैगा उन्हां दे जीवनी उहदे उत्ते चानना पाणा है ते सब नू निवेदन करनी है कि जिहड़ा साडा आचरण है वह राम भगवान की तरह होवे ते इस संसार दे विच्चों इस दुनिया दे विच्चों जिहड़ियां बुराइयां दा अंत होवे अते अच्छाइयां दी जित होवे। जय श्री राम। जय श्री। लुधियाना से कैमरा पर्सन जसविंदर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।